प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, इस तरह सितम ढाते हैं अब जुल्म के बानी, और ला कर ये भरे कूजे बहा देते हैं पानी। अरे कुछ और भी भर जाती है यूं तशना दहानी, बाई की तरफ देख के रोती है सकीना। अरे पानी ना मिला आज भी, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। आंसू अभी बच्ची के नहीं पाए थे थमने, अरे फिर मार दिया दुर्रा किसी अहले सितम ने। सज्जाद को हर गाम रुलाया इस गम ने, इस उम्र में ये सख्तियां सहती है सकीना। अरे पानी ना मिला आज भी, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। दुर्रों की अजियत से तड़पती है हसीना, अरे दुखता है बदन से सिया लेती है सकीना। अरे सोने के लिए पास नहीं बाबा का सीना, अरे एक कोने में सहमी हुई बैठी है सकीना। अरे पानी ना मिला आज भी, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। ये जुल्म भी कमसिन पे सितमगारों ने ढाया, अरे रखा है उसी कैद वहां पर जब को तन्हा रहता है जहां दिन में कयामत का अंधेरा। अरे दर दर के ना मर जाए अकेली है सकीना। अरे पानी ना मिला आज भी, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। कहता है सुनो हाथों को जोड़े हुए गौहर, आज ऐसे बहे आंखों से अश्कों का समंदर। ये कहती हुई जाए न शब्बीर की दुखतर, लब खुश्क ज़बाँ सूखी है रोती है सकीना। अरे पानी ना मिला आज भी, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, है प्यासी है सकीना। सलाम अली असगर करबला के शहीदों में सबसे कम से शहीद है, जिनकी उम्र कुल 6 माह की थी, जिनकी सारी उम्र सफर में गुजर गई, माँ का दूध भी पूरा ना पिया, माँ को माँ भी कहना शुरू ना किया था, अपने बाबा की तमाम गुर्बत को देखा। और जब आका मौला इमाम हुसैन असरे आशूर यको तन्हा रह गए, तो सदाए इस्तिगासा बुलंद की, हल मिन्ना सिरियन सुरना, कोई है जो मुझ गरीब की मदद को आए। सदाए इस्तगासा को सुनकर अली असगर ने अपने आप को झूले से जमीन पर गिरा दिया। ऐसे लगता था जैसे सदाए इस्तगासा पे लब्बैक कह रहे हैं। खैमों में कोहराम बरपा हुआ, अली असगर करबला के वो शहीद शहीद है जो 3 बार शहीद हुए, पहली बार तीर लगा, दूसरी बार सीने पे नेजा लगा, तीसरी बार जब नन्हे सर को तलवार से तन से जुदा किया। जब आका मौला अली असगर को हाथों पे उठाकर मैदान में कौमे अश्किया के सामने लाए, लोग समझे जैसे हुसैन कुरान लाए। फरमाया मेरे मासूम प्यासा है जिसे माँ का दूध भी ना मिला,
वो मलूम कहने लगा हुसैन पानी खुद पीना चाहते हो, जब तक बच्चा पानी खुद नहीं मांगेगा नहीं देंगे। मेरे आका ने अली असगर को करबला की तपती रेत पे लिटाकर फरमाया, असगर बाबा की सदाकत की गवाही देते हुए हुज्जत तमाम करो। ये सुनकर अली असगर ने अपनी कई दिनों की खुश्क जबान को अपने नाजुक होठों पे तीन बार फहराया, यानी अपनी भूख और प्यास की शिद्दत का इजहार फरमाया, जिसे देख कर फौज अशकिया में तलातुम बरपा हुआ और जालिम रोने लगे। इस पर पिसरे सार ने हुरमला को हुक्म दिया कि हुसैन की कलाम को काटो, और हुरमला ने ऐसा दी जो कि सह शुबा था और जंग में गौरव को मारा जाता था। अली असगर के वजन और कद से कहीं गुना बड़ा था। मैंने अली असगर के गले को निशाना लेकर चिल्लाया, जो सगीर के हल को चीर कर मजलूम करबला के बाजू में पवस्त हो गया। तीर का लगना था बच्चे की गर्दन से खून निकला, जिसे मेरे मौलाना ने अपने चुल्लू में लेकर चाहा कि आसमान की तरफ फेंकना चाह। आवाज आई, कभी बारिश नहीं बरसेगी, जमीन पे फेंकना चाहा तो आवाज आई, कभी अनाज ना उगेगा। आखिरकार मजलूम करबला ने खूने अली असगर को अपने मुंह पर मल लिया।